ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ चिपका दिया आपने वायर को, यहाँ पर आपने कुछ रैप भी किया होगा वायर को, तभी तो वायर बना है पूरा है। ठीक है ना, ऐसे वायर चिपकता थोड़ी नहीं है इस तरीके से कि चिपका दिया वो कुछ, यहाँ पर इस तरह से जाके कुछ आपने इस तरह से रैप किया होगा इसको, ठीक है, इस वायर को, तो जो आपकी जो करंट आ रही है इसमें से, ठीक है ना, ये जो करंट आ रही है वो सीधी ऐसे थोड़ी नहीं जा रही है, क्योंकि आप जो रेजिस्टेंस लेंथ मेजर कर रहे हो तो स्केल से कर रहे हैं, तो आप तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ ही मेजर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी बैलेंस लेंथ आएगी बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, तो आप वो थोड़ी नहीं अकाउंट में ले रहे हैं जहाँ पर आपने रैप कर दिया, करंट उसमें से भी तो अंदर से आ रहा है, तो वो भी तो एक रेजिस्टेंस नहीं हो गया इस ब्रांच का, बताइए, ऐसे दूसरे एंड पर भी होगा, तो उसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है क्या पिक्चर में, जो आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी स्केल की लिमिटेशन है कि वो रैप कितना है क्या है वो आप नहीं लेंथ मेजर कर पा रहे, तो एक्चुअल में जो आप एल लिख रहे हैं वो एल से कुछ ज़्यादा है, इसी तरह दूसरी साइड भी जो आप कुछ लिख रहे हैं 100 माइनस एल, वो एक्चुअल में 100 माइनस एल से कुछ ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको एंड करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको एंड करेक्शन बोला जाता है इसलिए, ठीक है, समझ में आ गई, एंड करेक्शन होते क्या है कि आपकी एल इज एक्चुअली एल से ज़्यादा है कि लेंथ बैलेंस लेंथ एक्चुअल बैलेंस लेंथ या एक्चुअल एल और 100 माइनस एल आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू रीडिंग शोन बाई स्केल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू रीडिंग शोन बाई स्केल, तो हम कैसे निकालते हैं, तो निकालने का बहुत ही तरीका सिंपल है, ये एंड करेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप पी वन और क्यू वन लगा देते हैं इस जगह पे, देखो ये जो आपके आर और एस लग रहे हैं ना बेटा, देख रहे हैं, इसकी जगह कोई नोन रेजिस्टेंस पी वन और क्यू वन लगा देते हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको, कि जो आपके आर और एस थे तो आर की जगह मान लो पी वन लगा दिया, नोन है दोनों नोन है ही, और इसकी जगह आप जहाँ पे कैपिटल एस लगाते थे यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स था ना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह आपने आर वन पी वन कुछ लगा दिया, और इस कैपिटल एस की जगह आपने क्या लगा दिया, कुछ क्यू वन लगा दिया, ठीक है ना, और नीचे वाले वही है, फिर आपने बैलेंस लेंथ नोट कर ली इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए बैलेंस लेंथ मान लो इसकी एल वन आ गई, तो यहाँ पे लेमडा एल वन रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर लेमडा इंटू 100 माइनस एल वन आ जाएगा, ठीक है ना, अब उसकी जगह मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ कि एल वन तो स्केल दिखा रही है, मान लो वहाँ पे एंड करेक्शन एल्फा वो फिक्स रहेगा, कोई सा भी चेंज करो वो तो फिक्स हो, एक बार निकाल लिया तो यूज़ कर सकते हैं हर बार, बैलेंस लेंथ में ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, मान लो एंड करेक्शन कितना है एल्फा एंड बीटा, मान लिया लेट एंड करेक्शन आर एल्फा एंड बीटा, वो कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ सेम हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लैंड कितना भी ज्यादा रैप कर दिया आपने एक एंड पर चेंज हो जाएगा, लैंड लेट एंड करेक्शन आर कितने हैं एल्फा एंड बीटा, एल्फा एंड बीटा दोनों एंड के एंड करेक्शन है, तो आपने कुछ नोन रेजिस्टेंसेस पी वन एंड क्यू वन आर नोन, ये आपको पता है पी वन और क्यू वन, ठीक है ना, पी वन और क्यू वन आपको पता है बेटा, तो अब आप यूज कर लीजिए, तो आपने क्या किया पी वन अपॉन क्यू वन इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस एल वन प्लस बीटा, ये पहली इक्वेशन आ गई, देखो दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है आपको ये चीज, पी वन अपॉन क्यू वन इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस एल्फा, अब क्या करोगे, इक्वेश दो वेरिएबल है इक्वेशन तो एक ही बनी, तो अब इन्हीं को रिवर्स कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, आप कोई दूसरे भी यूज करते रह सकते थे, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेंशन है बुक्स में वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप इसको क्यू वन और पी वन से रिवर्स कर दो, ठीक है ना, उल्टा कर दिया, तो अब आपकी नई बैलेंस लेंथ आएगी, तो उसको नोट कर लो, ठीक है ना, वो भी एंड करेक्शन थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगे, पहले ही बताया तो फिक्स हो गए कि जितनी उस मीटर ब्रिज में आपने रैप किया उसके अकॉर्डिंगली ये लेंथ फिक्स हो गई, जो एक्स्ट्रा ऐड करने से सही रेजिस्टेंस दे देगी, ठीक है, तो पी वन क्यू वन तो उल्टा कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया, इसकी जगह क्या कर दिया क्यू वन पी वन कर दिया, पहले पी वन क्यू वन लगाए थे, अब क्यू वन पी वन लगा दोगे तो बिल्कुल बैलेंस कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है ना, ध्यान रखो एल वन बैलेंस लेंथ है, कहीं आप सोचो एल वन की, अब व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस है मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही तब की बात है, ठीक है, एल वन क्या है आपका बैलेंस्ड लेंथ है, और एल टू भी आपका बैलेंस लेंथ है नई सिचुएशन में,
जबकि आपने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो कभी जरूर पूछेगा देखना इस तरह का एनालिसिस। बाकी बहुत पूछ चुका है तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो वो एंड करेक्शन इस तरह से निकलवा सकता है कभी भी, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो लोग लॉग लैब में करते हैं। क्यू वन अपॉन पी वन एल टू प्लस एल्फा अपॉन 100 माइनस L2 प्लस बीटा। तब आपके समझ आ गया, कुछ नहीं करना। अब क्या हो गया, दो इक्वेशन बन गई है, L1 L2, ये सब रीडिंग नोट कर लिया आपने। P1 Q1 नोन थे तो दोनों जगह आपको पता है। ठीक है, तब आप कह सकते हैं नाउ सॉल्व 1 एंड 2, नाउ सॉल्व 1 एंड 2 फॉर वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड बीटा। फॉर वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड बीटा के लिए आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों एंड करेक्शन आ जाएंगे, फिर आगे उनको आप यूज करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी? तो एक एडवांस